नमस्कार दोस्तों, और आपका न्यू लाइफ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं चाहता था कि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी प्री में और सभी एग्जाम में। मॉडर्न हिस्ट्री से, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एंशियंट हिस्ट्री और जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, उसको आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। उसको आप लोग देखते रहिए, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं बना रहा हूँ वो इसका वो ये जो है, ये अभी पहला पार्ट है, पहला भाग है, तो इसको भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न, जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आधुनिक भारत हम लोगों का है वो शुरू होता है मुगल काल की, जहाँ समाप्ति होती है औरंगजेब की, जहाँ पर समाप्ति होती है 1707 ईस्वी से ही हम लोग मानते हैं। अगर भारत में आधुनिक काल के बारे में बात की जाए तो मुगल काल, जहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी, वहीं पर ही हम लोग मानते हैं, यूपीएससी भी वहीं पर मानता है। ठीक है, लेकिन अगर विश्व में माना जाए, ठीक है, तो जब आधुनिक काल की बात की जाए, ठीक है, तो इंग्लैंड में जब बड़े बड़े मशीनों की खोज होने लगी, ठीक है, और इटली में जब पुनर्जागरण चालू हो गया, ठीक है, तब से ही आधुनिक काल मान लिया गया। तो अलग अलग देशों में अलग अलग है, लेकिन हम लोग अपना मानेंगे 1707 ईस्वी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानते हैं, एक तरह से यह भी कुछ लोग मानते हैं कि 1498 में जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो वहां से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। तो कुछ भी आप लोग मान के चलिएगा, हमको तो पढ़ना है भाई, ठीक है, पूरा इतिहास जानना है। तो चाहे एंशिएंट पढ़िए, चाहे मेडिवल पढ़िए, चाहे मॉडर्न पढ़िए, बांट करके चलना, तो बांटना तो आप लोगों को है, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो तब होगा जब समुद्री मार्ग खोज लिया जाएगा। और समुद्री मार्ग खोजा किसने, तो वास्को डिगामा नामक एक समुद्री जो था, समुद्री यात्री, उसने 1498 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, और एक कोलंबस नामक यात्री भी था, स्पेनिश। ठीक है, वास्को डिगामा जो था पुर्तगाली था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आएंगे। ठीक है, और एक कोलंबस नामक यात्री भी था स्पेनिश, उसने भी भारत की खोज के लिए ही निकला था, लेकिन उसने अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं, हम लोग फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, जो हम मैं पढ़ाऊंगा उतना आप लोग पढ़ते जाइएगा, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग वही पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वास्को डिगामा द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग के खोज के क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, नए समुद्री मार्ग को खोज के क्या कारण रहे होंगे, उसके पहले भी तो आखिर व्यापार होता था, रोम से हम लोग व्यापार करते थे, नए समुद्री मार्ग के खोज के क्या कारण थे। आप लोगों को पता होगा पहले व्यापार स्वेज नहर के द्वारा होता था। ठीक है, लेकिन नए समुद्री मार्गों की खोज के क्या कारण थे, तो कुछ दिन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, इसलिए नए समुद्री मार्गों की खोज की जरूरत पड़ी। कुस्तुनतुनिया जो एक जगह है, ठीक है, वो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर जो है वहां पर पड़ता है। ठीक है, उस पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वहां से जो है भारत आने के लिए वहीं से आना पड़ता था। वहां पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वो लोग ज्यादा टैक्स वसूलने लगे, या जो उनके मित्र होते थे उन्हीं को आने देते थे, नहीं तो नहीं आने देते थे। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई, इसलिए नए समुद्री मार्गों की खोज की जरूरत पड़ी। ठीक है, जहाज रानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति हुई। ठीक है, इसलिए नए समुद्री मार्गों की खोज की लालसा भी उत्पन्न हुई, क्योंकि नौ परिवहन में जब प्रगति हो गई, ठीक है, नए नए जहाज बनने लगे, तो उन लोगों के समुद्र में जाने की आवश्यकता महसूस हुई, भाई समुद्र में हम लोग जाएंगे, नए नए जगह खोजेंगे। ठीक है, और इंग्लैंड तो था ही, ब्रिटेन तो था ही, जिसकी नौसेना बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। पुनर्जागरण की भूमिका, पुनर्जागरण आप लोग जानते हैं, पुनर्जागरण जो था उस समय, ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, तो लोगों में जिज्ञासा थी। ठीक है, उस काल में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, इसीलिए आधुनिक काल कहा जाता है, उस काल में बहुत सारी चीजें हुई।
ठीक है। पुनर्जागरण की भूमिका उसमें बहुत बड़ी रही। भारत से व्यापार कर अधिक धन कमाने की लालसा, ठीक है। भारत में ये लोग सस्ती चीजें पा जाते थे, ठीक है, वहां जा करके बहुत उससे 10 गुना 20 गुना दामों में बेचते थे, बहुत सारा धन कमाते थे। आप लोगों को पता होगा वास्को डे गामा जब यहाँ आया था, बहुत कम दामों में यहाँ से ले गया था, वहां पर बहुत ऊंची दामों में, कम से कम 60 गुना दामों में उसने बेचा था और बहुत ज्यादा धन कमाया था, ठीक है। इसलिए भारत से व्यापार करके वो लोग धन कमाना चाहते थे, ठीक है। यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार, ठीक है। यूरोप और एशिया के जो व्यापार थे, ठीक है, उस पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार हो चुका था, ठीक है। और वो लोग समुद्री मार्ग के द्वारा नए नए जो थे देश खोज रहे थे कि और कोई देश मिल जाए, ठीक है। तो और बहुत सारे देश खोजे जा रहे थे, ठीक है, जिसमें जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, कैप्टन जेम्स कुक, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है, जिसे रेड इंडियंस और न्यू नई दुनिया कहा गया, ठीक है। वास्को डी गामा भारत ही पहुंचाया नए समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है। नए नए देश खोजे गए कि नया नया व्यापार करने को मिलेगा अलग अलग देशों से, ठीक है। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ एवं भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ था, ठीक है। अधिकांश व्यापार जो था अरब वासियों के हाथ था और भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ था। इसलिए नए नए देशों की खोज कर रहे थे कि हमको भी व्यापार करने का मौका मिले, ठीक है। ज्यादा देश रहेंगे तो ज्यादा व्यापार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इसीलिए चलिए आगे बात करते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में, थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का था, ठीक है, और यह केप ऑफ गुड होप उत्तर महासांत द्वीप होते हुए गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीफ की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा 17 मई 1498 ईस्वी में, ठीक है। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, 1498 ईस्वी तो सबको याद रहता है लेकिन 17 मई नहीं याद रहता, ठीक है। तो 17 मई आप लोग याद रखिए, ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर किसकी सहायता से पहुंचा, तो गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मुनीक, ठीक है, उत्तर महासांत द्वीप होते हुए, ठीक है। कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे जमोरीन, ठीक है, उसने वास्को डी गामा का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, ठीक है। यहाँ पर याद करने लायक क्या है, वो यह है कि पेड्रो अल्बरेज केब्रल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था 1500 ईस्वी में, ठीक है। जब 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पूरा भारत आया था, ठीक है, 1498 ईस्वी में पहली बार आया था, फिर भारत लौट गया, उसने बहुत सारा धन कमाया, तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत दूसरी बार आया था। लेकिन भारत पहुंचने वाला वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली कौन था, यह भी पूछता है, तो पेड्रो अल्बरेज केब्रल, ठीक है, 1500 ईस्वी में आया था। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम क्या है, यह पूछता है फ्रेंड। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, क्योंकि वास्को डी गामा तो उसने ही तो खोज की थी और वो पुर्तगाल का है, ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद डच आए थे, डच डच किसे कहते हैं, नीदरलैंड वाले, हॉलैंड वाले, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आए थे, ठीक है। यह क्रम याद होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद स्वीडिश आए थे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, पुर्तगालियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत। जो पुर्तगाली थे 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री खोली 1503 में। फैक्ट्रियों के बारे में पूछता है फ्रेंड कि फैक्ट्री जो है सबसे पहले कहाँ खोली गई, किसने कहाँ पर फैक्ट्री खोली, तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो था
पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, ठीक है, फ्रांसिसो डी अल्मेडा, इसके बारे में पूछता भी है। इसने 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दमन और दीव पर अधिकार कर लिया था, दीव पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, 1509 में, ठीक है। यह फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो है, यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आया था, ठीक है, जिसने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार किया था। किस ईस्वी में? तो 1509 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में अगर बात किया जाए तो यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरू की थी। जो फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो था, ठीक है, फ्रांसिसो डी अल्मेडा जो था, उसने इसको शुरू किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, वो भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती इसने ही प्रारंभ की। पुर्तगीजों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, कि यहीं के रंग में रंग जाओ, इसकी इनकी स्त्रियों से विवाह करो, ठीक है, यहाँ पर रहना बसना शुरू करो, ठीक है। हाँ, आपको पता होगा सभी लोग लौट गए थे, लेकिन पुर्तगाली ही ऐसे थे जो गोवा से सबसे लास्ट में 1962 में लौटे थे, ठीक है, युद्ध भी करना पड़ा था जवाहरलाल नेहरू को। चलिए, अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई और बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीता था, ठीक है, गोवा को जीता था बीजापुर के आदिल शाह से। दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। फारस खाड़ी पर महत्वपूर्ण हरमुज पर अधिकार किया। अधिकार का क्रम की अगर बात करें उसको बारे में देखते हैं। चलिए, गोवा पर इसने 1510 ईस्वी में, ठीक है, और मलक्का जो है उसको 1511 में, हरभुज को 1515 में। इसने गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। नीनो डी कुन्हा, ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गोवा को पुर्तगीज राज की औपचारिक राजधानी बनाया। इसने राजधानी बनाया, ठीक है, गोवा को। इसने सैंथोमी जो कि मद्रास में है, हुगली जो कि बंगाल और दीव में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछता है इसके बारे में, तो इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। क्या बातें हैं वो, कि बंगाल के शासक जो मसूद शाह है, ठीक है, उसके द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियां खोलने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा दी गई थी यह पूछता है, चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियां खोलने की अनुमति पुर्तगालियों को किसने दी थी? तो बंगाल के शासक मसूद दास शाह जो थे उसके द्वारा। अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, और शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था, ठीक है। तो अकबर ने भी अनुमति दी थी हुगली में कंपनी की स्थापना करने की, और शाहजहां जब आया था, ठीक है, जहांगीर का पुत्र, अकबर के बाद जहांगीर आया और जहांगीर के बाद शाहजहां आया, उसने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था, हुगली जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, अभी वर्तमान में। चलिए, पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे होंगे? पुर्तगाली सबसे पहले आए, ठीक है, लेकिन क्यों इनको सफलता नहीं मिली? सबसे ज्यादा सफल अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज जो थे सबसे ज्यादा सफल रहे थे, ठीक है। पुर्तगालियों के पतन के बहुत सारे कारण रहे, लेकिन उसमें भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण सबसे पहला कारण है। भारतीय स्त्रियों से इन्होंने जो विवाह करना शुरू किया और धर्मांतरण, यह एक तरह से अच्छी स्थिति थी। कुछ लोग सोचेंगे कि इन्होंने विवाह किया, घर बसाना शुरू किया, एक तरह से यहाँ रहना शुरू कर देंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण हो गया पतन का। व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता भी इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। रिश्वतखोरी और शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी कमजोरी। डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौती, डच चबाने लगे और सैन्य चुनौती बन गई, ठीक है, जब लड़ना पड़ गया और जो यूरोपीय शक्तियां आने लगी, ठीक है, और भी यूरोपीय शक्तियां जब आने लगी, डच आने लगे, ब्रिटिश आने लगे, फ्रांसीसी आने लगे, स्वीडिश आने लगे, तब इन लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ा, तब यहाँ पर इन लोगों का पतन चालू हो गया, ठीक है। कार्ट्स अल्मेडा काफिला, यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रित व्यवस्था, नियंत्रण व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत कोई भी भारतीय
या अरबी जहाज बिना परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाजों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना निषेध था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। जितने भी यूरोपीय लोग आए उसने भारत को बहुत सारी चीजें भी दी। ठीक है, यहाँ पर रहा है तो दिया भी तो कुछ ना कुछ। तो पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया। भारत में जो जापान से व्यापार शुरू करने का जो श्रेय है पुर्तगीजों को दिया जाता है। जापान से व्यापार किसने शुरू किया, तो पुर्तगालियों ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो लाया था पुर्तगालियों ने लाया था। तंबाकू खेती का विकास पुर्तगालियों ने किया था। और भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन भी पुर्तगालियों के कारण हुआ था। इन्हीं के समय में विभिन्न प्रकार के फल, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत आए इस समय में। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या करना है, आप लोगों को यह याद करना है कि जापान से जो व्यापार शुरू करने का श्रेय है पुर्तगीजों को दिया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस ये लोग लाए, तंबाकू की खेती का विकास किया, कला और साहित्य का बहुत सारा क्वेश्चन यूपीएससी जो प्री का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है आईएएस के। तो गोथिक स्थापत्य कला का आगमन जो है पुर्तगालियों के काल में हुआ था। ठीक है, बहुत तरह के जो फल हैं जैसे पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, ये सब विदेशों से भारत आए थे इन्हीं के काल में। चलिए डचों के बारे में बात करते हैं। पुर्तगीजों के बाद भारत आए थे डच, नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, इनकी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। ठीक है, और डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री जो डचों ने स्थापित की थी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की थी। डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस माउंटमैन के नेतृत्व में हुआ था, भारत आया था। बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की। डचों द्वारा भारत स्थापित कारखाने कौन कौन से पूछता है, तो प्रथम जो कारखाना स्थापित किया था मछलीपट्टनम में था। ठीक है, 1605 में। दूसरा जो है पत्तोपोली, ठीक है, निजामपट्टनम में। तीसरा जो है पुलिकट में। ठीक है, और भी बहुत सारे इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की, कारखाने जैसे सूरत में, विमलीपट्टनम में, कराईकल में, चिनसुरा में, कोचीन में भी इन्होंने फैक्ट कारखाने खोले। ठीक है, कासिम बाजार में, बालासोर में और नागपट्टनम में। ठीक है, चलिए मुख्यालय कौन सा था। ठीक है, पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया। ठीक है, पूछता है मुख्यालय बनाने का। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जब मैंने पुर्तगालियों का बताया तो पुर्तगालियों ने राजधानी किसको बनाया था, औपचारिक रूप से गोवा को बनाया था। इन्होंने मुख्यालय किसको बनाया, व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय पुलिकट को। डचों ने किसको बनाया, जो कि नीदरलैंड और हॉलैंड के हैं निवासी, इन्होंने व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय पुलिकट को बनाया। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, 1690 में किसको बना लिया गया, नागपट्टनम को। स्थापित फोर्ट कौन कौन से हैं, चीन सूरा में गुस्ताफोस कोर्ट की स्थापना हुई 1653 में, कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना 1636 में, 63 में, सॉरी 1663 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, डचों ने मसाला द्वीप जो कि इंडोनेशिया को कहा जाता था पुर्तगीजों से जीत लिया। ठीक है, मैंने बताया ना पुर्तगीजों के हार के कारण क्या थे, जब अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत में आने लगी तो पुर्तगाली जो हैं उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे आप देख सकते हैं कि जब डच आए तो मसाला द्वीप जिसे कि इंडोनेशिया कहा जाता है उसको जीत लिया पुर्तगालियों से। ठीक है, डचों ने मलक्का तथा सिलोन श्रीलंका को भी जीत लिया। ठीक है, बाद में आए लेकिन जीतते चले गए उन उनसे जिसको पुर्तगालियों ने जीता था। डचों ने जकार्ता को जीतकर एक नए नगर बैटलिया की स्थापना की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी पर, 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और ओडिशा में व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया। सोचिए, आप सोचिए एक बार कि जो है पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए थे।
ठीक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए, लेकिन डच वाले को जो है औरंगजेब दे रहा है वार्षिक चुंगी पर बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार। डच वाले तो बाद में आए थे, सभी जीतते भी चले गए, श्रीलंका को जीता ठीक है, जिसको कि सुलोन कहा जाता था पहले, इंडोनेशिया को जीता जिसे मसालों का द्वीप कहा जाता था ठीक है, और व्यापार करने का अधिकार भी इन्हीं को मिल गया बंगाल बिहार और उड़ीसा में। तो उन लोगों का कितना फायदा है, इसीलिए वो जो है चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए और धीरे धीरे बाहर होते चले गए ठीक है। अभी तो अंग्रेजों का आगमन होगा ठीक है, हो भी चुका है, लेकिन अभी उन लोगों का धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे तो डच वाले भी बाहर हो जाएंगे ठीक है। डच वाले तो और बाहर हो जाएंगे, ब्रिटिश सत्ता ही बस रह जाएगी ठीक है, सबसे कम तो फ्रांसीसी रह जाएंगे ठीक है। फ्रांसीसी लोग तो एकदम थोड़े समय के लिए ही टिक पाते हैं ठीक है, ब्रिटिश सत्ता ही बस रह जाती है ठीक है। आप लोग देखेंगे अभी आगे, डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता या कार्टल पर आधारित थी। चलिए आप लोगों को याद करने लायक क्या है नोट में देख लेते हैं। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ एवं भारत में भारतीय वस्त्र का निर्यात की वस्तु को बनाने का श्रेय डचों को जाता है ठीक है। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ, सूती वस्त्र उद्योग जो था उसका विकास हुआ ठीक है, और भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत में जो वस्त्र बनते थे उसको जो निर्यात किया जाता था, विदेशों को भेजा जाता था ठीक है, व्यापार बढ़ गया उसका ठीक है, बहुत ज्यादा निर्यात होने लगा ठीक है, विदेशों को भेजा जाने लगा, उससे हमको क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डचों के पतन के क्या कारण थे, डच भी तो नहीं टिक पाए थे भारत में, तो उनके पतन के आखिर क्या कारण थे। पुर्तगालियों से तो जीत गए, लेकिन और क्या इनके कारण रहे होंगे कि ये लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। तो डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, सबसे पहली बात तो ये कि डच जो कंपनी थी उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। कंपनी के अयोग्य प्रशासक एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी कमजोरी थी, चाहे पुर्तगालियों में रही हो ठीक है, पुर्तगाली में भी क्या था, भ्रष्टाचार था, और यहाँ भी ठीक है। डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों से थी, डच जो थे भारत में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, वो लोग कहाँ रुचि ले रहे थे, श्रीलंका में और इंडोनेशिया में जो मसाला द्वीप था वहां पर ठीक है। बेडरा बंगाल का युद्ध जब हुआ 1769 में, अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, जिससे डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो गई। 1769 में डच और इंग्लैंड में मतलब अंग्रेजों में एक युद्ध हुआ ठीक है, बेडरा का युद्ध बंगाल में 1769 में, वहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे क्या हुआ कि डच जो है वो भारत छोड़कर ही चले गए, एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई बेडरा बंगाल के युद्ध में 1769 में ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अंग्रेज ब्रिटिश जिसको हम कहते हैं ठीक है, तो 1599 में ठीक है, 1599 में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूरब के देशों के साथ व्यापार करने हेतु की ठीक है। व्यापारियों का एक समूह था, उसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूरब के देशों के साथ व्यापार करने हेतु की, कब, 1599 में, और 1599 में ही जार्ल मिल्डन हॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया था ठीक है, स्थल मार्ग से आया था, ये आप लोगों को ध्यान देना है ठीक है। कौन सा व्यक्ति, जॉन मिल्डेन हॉल, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान कर दिया, किसको, कंपनी को, यह अधिकार समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए था ठीक है, समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए किसको दिया, 15 वर्षों के लिए, 1600 ईस्वी में, दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, सिर्फ भारत के साथ नहीं, सिर्फ भारत के साथ नहीं, जितने भी पूर्वी देश थे, चाहे वो चाइना हुआ, चाहे भारत हुआ, चाहे पाकिस्तान
पाकिस्तान तो खैर था नहीं तब, भारत पाकिस्तान एक ही थे, ठीक है। वो तो जब आज़ाद हुआ तब अलग हुआ, चाहे श्रीलंका हुआ चाहे इंडोनेशिया हुआ, सबके साथ, ठीक है, जितने पूर्वी देश थे सबके साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया 15 वर्षों के लिए, ठीक है। जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत, सबसे पहले जेम्स प्रथम ने एक दूत भेजा किसको, कैप्टन हॉकिंग्स को, ठीक है। 1608 में, 1608 में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, कैप्टन हॉकिंग्स था, अंग्रेजों में, ठीक है। अंग्रेजों में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन हॉकिंग्स था। कैप्टन हॉकिंग्स बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा, उस समय जहांगीर का शासन काल था, तो आगरा पहुंचाए और जहांगीर ने पहले हॉकिंग्स को सूरत में व्यापार की अनुमति दी, परंतु स्थानीय सौदागर एवं पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी, ठीक है। 1612 में सवावली के युद्ध में कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगीज सेना को परास्त किया, उसकी वीरता के कारण 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की। यहाँ आप लोगों को एक चीज समझना है, सबसे पहले अंग्रेजों को जहांगीर ने कब किया था, 1608 में हेक्टर नामक जो आया था जहाज, हेक्टर नामक जहाज, जहाज भी पूछता है, ठीक है। तो हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज आया था किसको लेकर के, कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था, और कैप्टन हॉकिंग्स ही वह व्यक्ति था अंग्रेजों में जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आया था, ठीक है। और यह सीधे कहाँ गया था, आगरा में जहांगीर से मिलने, और यह इसने जब व्यापार करने की अनुमति मांगी सूरत में, ठीक है, तो जहांगीर ने उसको हंसी खुशी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, ठीक है। लेकिन जो स्थानीय सौदागर थे, स्थानीय सौदागर मतलब क्या कि सूरत में जो वहाँ के लोग रहते थे सूरत में, वह लोग व्यापार जो वहाँ पर करते थे, और पुर्तगाली जो शुरू से ही वहाँ पर व्यापार करते थे, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा ली थी, उन्होंने विरोध किया, ठीक है, 1608 में, समझ रहे हैं ना, 1608 में ही, तो उनके विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी। लेकिन जब 1612 में एक युद्ध हुआ, उस समय कौन था अंग्रेजों में, उस समय कैप्टन बेस्ट था, ठीक है, तो सेना को पराजित कर दिया सवावली के युद्ध में। तो 1613 में अस्थाई फैक्ट्री अब बनाने का क्या किया, अनुमति प्रदान कर दी जहांगीर ने, पहले तो बस व्यापार करने की अनुमति देने की बात थी, समझ रहे हैं ना, अब तो अस्थाई फैक्ट्री बनाने की बात हो गई, ठीक है। ये बहुत बड़ा अंतर था, यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने फिर से वो बताया। तो पहले बस व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने की बात थी, उसने दिया था, लेकिन अब अस्थायी फैक्ट्री बनाने की बात हो गई, ठीक है। अब फैक्ट्री की स्थापना होगी, तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मुसलीपट्टनम में स्थापित की, और 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापना की, अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर ली, कहाँ पर, सूरत में, 1613 में, ठीक है। पहले कारखाने की बात आएगी, ठीक है, जब आएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देखता है, तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आएगा अगर कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने कब किया, तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की, तब 1613 में आ जाएगा, ठीक है, सूरत में, आया बात समझ में। और उसका अध्यक्ष कौन था, टॉमस एटवर्थ, एल्डवर्थ, ठीक है। तो एक होता है स्थायी फैक्ट्री, एक होता है कारखाना, ठीक है। चलिए, 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत आए थे पूर्वी देशों के साथ, तो एलिजाबेथ प्रथम जो थी रानी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी, मैंने आपको बताया था अभी। अब जब ये
राजा बना जेम्स प्रथम, ठीक है, तो उन्होंने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया 1609 में, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब सर टॉमस रो जो थे, ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा, ठीक है, तब तक जो है अस्थाई फैक्ट्री स्थापित हो चुकी थी, ठीक है, कब 1815 में ये पहुंचे और अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना सूरत में कब हो चुकी थी, 1613 में, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन था, थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है, तो 1615 में पहुंचे सूरत सर टॉमस रो, और 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से मिलने अजमेर भी पहुंच गए सर टॉमस रो। सर टॉमस रो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी बात करते थे, अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। 16 जनवरी 1616 में सर टॉमस रो जो थे जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचे। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है, एकाधिकार प्राप्त कर लिया मतलब अब वहां पर बस यही लोग व्यापार करते थे, पुर्तगीज भी व्यापार नहीं करते थे, डच भी व्यापार नहीं करते थे, और कोई लोग व्यापार नहीं करते थे, बस अंग्रेज व्यापार करते थे, ठीक है, कहाँ पर, तो गोलकुंडा के बंदरगाह जो थे वहां से, ठीक है। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया, ठीक है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रागिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1661 में अंग्रेज ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बम्बई दहेज में मिला। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ तो बम्बई तब क्या था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन अब दहेज के रूप में किसको मिल गया, अंग्रेजों को, ठीक है। तो चार्ल्स जो था ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराया, बस 10 पाउंड। गेराल्ड अंगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, यह भी कभी कभी पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में देखते हैं, ठीक है। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया, ठीक है, और 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई, ठीक है। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना एवं राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खोले गए, ठीक है। 1686 में अंग्रेजों एवं औरंगजेब के बीच भिड़ंत हुई, कारण क्या था कि हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट की गई और लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई, ठीक है, अंग्रेजों को भागना पड़ा। अंग्रेज उस समय इतने शक्तिशाली तो थे नहीं कि मतलब मुगल सेना को हरा देंगे, कम से कम औरंगजेब के टाइम तक तो थे नहीं, ठीक है, औरंगजेब के टाइम तक मुगल सेना कम से कम थी लड़ाई के काबिल, ठीक है। उसके बाद जो था भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, और दरबारी ही थे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर आया, उसके टाइम में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन 1707 के बाद जो थी मुगल सेना लड़ाई के काबिल नहीं रह गई, उसी के बाद अंग्रेज जो थे उसका फायदा उठाने लगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मुगल सेना की, तो कम से कम औरंगजेब के टाइम तक, ठीक है, ऐसी स्थिति में थी नहीं कि मुगल सेना को हरा करके और भारत पर ऐसा राज कर ले, ठीक है। तो इसीलिए जो हुबली में लड़ाई हुई, ठीक है, उसमें मुगल की जीत हुई, औरंगजेब की जीत हुई, और अंग्रेजों को हुबली से भागना पड़ा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बात करें। औरंगजेब ने 1,50,000 रुपया हरजाना लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान कर दी। यह इसने गलती किया कि जब एक बार जान गया कि अंग्रेज जो हैं हमसे ही भिड़ जा रहे हैं, ठीक है, अभी तो हम मान लो कि
ताकतवर हैं, बाद में हमारी सेना जो है मान लो कहीं चूक हो गई, हम हार गए तब क्या होगा। तो इसने पैसा लिया और क्या किया, छूट फिर से प्रदान कर दी। इसने यही गलती की, भगा देना चाहिए था। ठीक है, एक तो दूसरे देश से आए हैं, ऊपर से हमसे ही लड़ रहे हैं, तो इसको सोचना चाहिए था ये सब। ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है, चलिए आगे बात करते हैं। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने सुल्तानती कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। उस समय सुल्तानती कोलकाता व गोविंदपुर का जमींदार इब्राहिम खान था। जाप चारनाक ने सुल्तानती कोलकाता व गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी। इसी कारण जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाक को माना जाता है। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी, तो सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर को मिला करके कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी। किसने किया था, तो जॉब चारनाक ने की थी। ठीक है, चलिए। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में ही फोर्ट विलियम की स्थापना की गई और इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। ठीक है, 1700 में ही कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फर्रुख यार के फरमान। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख यार को एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने तीन फरमान जारी किए। बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार मिला और बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिली और सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को कर से मुक्त कर दिया गया। यह सब ऐसे फरमान थे जिसने अंग्रेजों को बहुत सारा छूट दिया और उसने फायदा उठा करके भारत में एक नींव रख दी, जिसने अंग्रेजों को क्या किया, बहुत लंबे समय तक भारत में कम से कम 200-250 सालों तक राज करने का क्या किया, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, कौन कौन से, कि 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। सिर्फ 3,000 रुपये वार्षिक दो और पूरा सीमा शुल्क से मुक्त रहो। ठीक है, कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का अधिकार मिला। 38 गांव तो वो लोग खरीद ही लेंगे, उसमें क्या है, लेकिन जो जमीन मिल गया ठीक है वो तो उनके पास ही रहेगा, उससे कर वसूलेंगे। ठीक है, ये सब करेंगे। और बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट मिली। 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त आयात निर्यात को कर से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं डेन। अंग्रेजों के बाद डेन आए 1616 में। डेन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर तंजौर में की। डेन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में की। 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़कर चले गए। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं थी भारत में व्यापार करें। ठीक है, इसमें कोई चालबाज भी नहीं थी। ठीक है, ठीक है, चलिए फ्रांसीसियों के बारे में जानते हैं। चलिए फ्रांसीसियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसका नाम कंपेन डेस इंडेक्स ओरिएंटलेस रखा गया। यह जो कंपनी थी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर थी। ठीक है, 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना हुआ। फ्रांसिसियो ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया। इसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरो ने ही किया था। ठीक है, फ्रांसिस कैरो ने ही इसका नेतृत्व किया था, जिसके नेतृत्व में 1667 में भारत के लिए दल रवाना हुआ था। तो जब 1668 में सूरत में स्थापित किया था, उसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरो ने ही किया था। मछलीपट्टनम में एक दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने सूबेदार जो है शेरखां लोदी से
परचूडूरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो बाद में पांडिचेरी नाम से जाना गया, पुडिचेरी जो कि हम लोग कहते हैं, में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। 1674 में बंगाल के सूबेदार साइस्ता खान ने एक स्थल फ्रांसीसियों को प्रदान किया, जहां फ्रांसीसियों ने 1690 से 1692 में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की। 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डचों का भी सहायता किया अंग्रेजों ने और पुंडीचेरी को छीन लिया फ्रांसीसियों से। कब? 1693 में डचों का सहायता किया अंग्रेजों ने, ठीक है, और फ्रांसीसियों से छीन लिया 1693 में। ठीक है, 1697 में क्या हुआ? तो रिजविक की संधि से क्या हुआ, तो फ्रांसीसियों को पुनः पांडिचेरी जो है वापस मिल गया। ठीक है, 1600 बीत चुका, तो 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, मालापार पर अधिकार कर लिया 1724 में, और 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया। अब अंग्रेज और फ्रांसीसी जब बच गए, सभी लोग बाहर हो गए। जब खेल शुरू होता है तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो बहुत कम खिलाड़ी बचते हैं, तो वैसे ही अंग्रेज और फ्रांसीसी ही सिर्फ बचे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, तो इनके बीच संघर्ष होगा, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ही सिर्फ बचे हुए थे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों में बहुत बार संघर्ष हुआ। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से की गई थी, ऐसा तो सब लोग जानते हैं। शीघ्र ही इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य व्यापारिक के साथ साथ राजनैतिक हितों से जुड़ गया, इस कारण दोनों कंपनियों में टकराव शुरू हो गया। इससे एक लंबे संघर्ष का जन्म हुआ, जिससे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत सारे युद्ध हुए। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं, तो इसका कारण क्या था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, यह युद्ध 1740 में आरंभ हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। ठीक है, इसके तत्कालिक कारण थे, कैप्टन बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोटों पर कब्जा कर लिया जाना, फ्रांसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसी गवर्नर लाबुर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना। ठीक है, ये दो कारण थे, एक तरह से आप जान सकते हैं तत्कालिक कारण मतलब तुरंत के क्या कारण थे। तो तुरंत के कारण यही थे कि जो अंग्रेज कैप्टन था बानेट, उसने क्या किया, फ्रांसी जलपोटों पर कब्जा कर लिया, और फ्रांसी गवर्नर डुप्ले जो था, उसने मॉरिशस के फ्रांसी गवर्नर लाबुर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। यह दो तत्कालिक कारण थे, लेकिन कोई भी युद्ध होता है तो उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, शुरू से ही कोई बात चल रही होती है, तब जाके लोग झगड़ते हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति झगड़ नहीं लेता, ठीक है, पहले से ही गुस्सा भरा होता है। तो इस ये तो तत्कालिक कारण थे, लेकिन शुरू से ही कोई बात रही होगी। ठीक है, ये लोग राजनैतिक रूप से जब आ गए, उसमें राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने लगे भारत में, तब युद्ध चालू हुआ। चलिए बात करते हैं सेंट थोमे का युद्ध, जो कि अड्यार नदी के किनारे है। ठीक है, यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया, जिसमें फ्रांसीसी सेना की विजय हुई। ठीक है, युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? यूरोप में ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध की समाप्ति की संधि 1748 में हुई, प्रभाव स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए जो है संधि हुई 1748 में। ठीक है, तो युद्ध समाप्त हो गया भारत में भी। परिणाम क्या हुआ? दोनों दल बराबर रहे, परंतु स्थल पर फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहे। ठीक है, मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया, डुप्ले की ख्याति में वृद्धि हुई। डुप्ले जो कि कौन था? फ्रांसीसी एक कौन था? कैप्टन था। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, उसकी ख्याति में वृद्धि हुई। दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं, कारण इसका क्या था? राजनीतिक महत्वाकांक्षा डुप्ले की, जो कि फ्रांसी गवर्नर था, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष मुख्य कारण, डक्कन के सूबेदार का पद, तीन कारण थे महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसमें से कर्नाटक के नवाब के पद के लिए जो संघर्ष था, राजनैतिक कारण यह था
कर्नाटक का जो नवाब का पद था उसके लिए कह सकते हैं कौन। देखिए अंग्रेज एवं फ्रांसीसी जो थे समर्थन करते थे कि नहीं हम आपको बैठाएंगे, नहीं हम आपको बैठाएंगे। एक लोगों को अंग्रेज करते थे समर्थन, एक लोग आजकल भी चलता है। अमेरिका क्या करता है, सीरिया वाले में एक विद्रोही है और एक क्या है उसको, तो विद्रोहियों को कहते हैं नहीं ये आतंकवादी है, और एक क्या, एक जो वहाँ पर शुरू से ही सत्ता में है उसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर था। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इशारा, समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, तो कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसी जो थे वो चांद साहब को बैठाना चाहते थे, और अंग्रेज जो थे वो अनवरुद्दीन को बैठाना चाहते थे, और डक्कन के सूबेदार के लिए फ्रांसीसी जो थे मुजफ्फर जंग, और अंग्रेज जो थे नासिर जंग को बैठाना चाहते थे। घटनाक्रम के बारे में अगर हम जानें, ठीक है, तो अम्बूर का युद्ध हुआ अगस्त 1749 में, मुजफ्फर जंग, चांद साहब और फ्रांसीसी सेना संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हरा दिया एवं मार डाला। ठीक है, चांद साहब कर्नाटक का नवाब एवं मुजफ्फर जंग डक्कन का सूबेदार बन गया। चांद साहब ने अकाट को अपनी राजधानी बनाया। तृष्णापल्ली के लिए संघर्ष हुआ, कैसा, अम्बूर के युद्ध के बाद अरकाट को राजधानी बनाया गया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने अरकाट को जीत लिया। ठीक है, तृष्णापल्ली अंग्रेजों के अधिकार में था जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगर लॉरेंस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता, जिसको अंग्रेजी सेना को यह नेतृत्व कर रहा था स्ट्रिंगर लॉरेंस, इसने 1752 ईस्वी में सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए। फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई। चांद साहब की हत्या तंजौर के राजा ने कर दी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, फ्रांस वापस बुला लिया गया, और 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत दोनों दल राजाओं के आपसी झगड़ों से दूर रहने के लिए राजी हुए, और मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। ठीक है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध जान लेते हैं, इसके कारण क्या रहे। तो 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच शांति समाप्त हो गई। युद्ध का तत्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन का बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। 1757 में, जो कि आप जानते होंगे 1757 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। बांडीवास का युद्ध 1760 बहुत ही इम्पोर्टेंट, बांडीवास का युद्ध अगर यह आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा बुक से। ठीक है, बांडीवास का युद्ध, इस युद्ध में यहाँ पर मैंने छोटा सब बताया है। ठीक है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा किताब से। बांडीवास का युद्ध 1760 में जो हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, तो बांडीवास का युद्ध इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में फ्रांसीसियों की हार के कारण क्या थे, तो फ्रांसीस कंपनी सरकारी थी। ठीक है, इसके लाभ और हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्टर उदासीन थे। ठीक है, क्योंकि हार और लाभ इनसे मतलब नहीं था, सरकार को लाभ और हानि से मतलब होता था, ये लोग अपने मनरुचि करते थे, क्योंकि इन लोगों का पैसा डूबता नहीं था, सरकार का डूबता था। ठीक है, कमाते भी ये लोग नहीं थे, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। ठीक है, यही बात थी, अपना तो जाएगा नहीं, सरकार का जाएगा, इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, यही बात थी। और जो कंपनी थी वो ब्रिटेन की, वो प्राइवेट था। ठीक है, यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना, भारत में कंपनी की गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, और अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार था जहां से अंग्रेजों का अपार धन की प्राप्ति हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1757 में जो है अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था एक तरह से। ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा करके इससे उनको अपार धन की प्राप्ति हुई थी, और फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी और अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ सीमित मात्रा में धन प्राप्त होता था। फ्रांस की नौसेना शक्ति समाप्त हो गई थी। ठीक है, और ब्रिटेन नौसेना में अजेय था। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी का राजनैतिक और सैनिक नेतृत्व
फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तम था। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, और अंग्रेजों की, अब अंग्रेज ही बच गए हैं, फ्रांसीसी भी बाहर हो गए, तो अंग्रेज कैसे शासन करेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे का जो आधुनिक इतिहास है आप लोग जानते ही हैं, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, वीडियो लंबा भी हो गया। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।